साथ ही यदि बात करें मध्य पछेती समूह की, जिसकी अभी बुआई का समय हो गया है और किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, एक बात महत्वपूर्ण है, खेत की तैयारी लगभग अच्छी तैयार 25 टन गोबर के खाद प्रति हेक्टर के दर से मिलाएं और साथ ही साथ 120 किलो नत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टर की दर से अवश्य दें। साथ ही साथ यदि एक सलाह और भी है कि जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उनमें उन खेतों में यदि बोरॉन की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, ऐसे क्षेत्रों में बोरेक्स 3.3% का घोल का छिड़काव करें और कैल्शियम के लिए लगभग 300 किलो बुझा हुआ चूना प्रति हेक्टर की दर से अवश्य दें। इसके साथ ही जो पछेती समूह है, जिसको स्नोबॉल कॉलीफ्लोर भी कहते हैं, उसकी भी बुआई का समय आने वाला है अक्टूबर के महीने में, उसके लिए उचित किस्मों की व्यवस्था करें। यदि स्नोबॉल समूह की बात करें तो पूसा स्नोबॉल KT25, पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 और पूसा कॉलीफ्लोर हाइब्रिड 103, ये किस्में हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर 15 तक लगाई जा सकती हैं। इसके बीज की व्यवस्था किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या इस संस्थान के केंद्रीय कार्यालय कटरैन से इसके बीज मंगवाए जा सकते हैं और इसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखें कि हमेशा बीज की बुआई के समय 2 ग्राम प्रति किलो की दर से अवश्य उपचारित करें।